हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमें गिव अप करना चाहिए हमारी लाइफ में, जिन्हें गिव अप करने से हम अपनी लाइफ को काफी इम्प्रूव और काफी बेहतर कर सकते हैं और काफी अपने आप को कामयाब सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जिसे हमें गिव अप करना चाहिए, गिव अप ऑन ऑलवेज बीइंग राइट। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। अगर वहाँ पर आप सही भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपसे वहाँ पर एग्री करेंगे। तो वहाँ पर बीइंग अ राइट मतलब होता है ना कि हम अपने आप को वहाँ पर प्रूफ करने में लगे होते हैं कि मैं यहाँ पर सही हूँ हर चीज़ को लेकर। तो हमेशा आप सही नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। ये चीज़ बड़ी क्लियर है क्योंकि अपनी नज़रों में आप सही हो सकते हैं लेकिन सबकी नज़रों में हमेशा सही होना दैट इज़ इम्पॉसिबल। वहीं पर सेकेंड पॉइंट है आपका गिव अप ऑन ब्लेमिंग। होता है ना कि हम कई सारी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती हैं और हम अदर पीपल्स पर अदर पर्सन पर वहाँ पर ब्लेम करते होते हैं। लाइक हो सक कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों की वजह से वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं या कोई भी गलत चीज़ आपके साथ हो जाती है तो वहाँ पर हम लाइक अदर पीपल्स पर ब्लेम करते होते हैं कि ये हो सकता है कि मैंने ऐसा किया तो आपकी वजह से ये ऐसा हुआ। ये हमेशा ब्लेमिंग जो है इंसान को एक डाउन साइड लेके जाती है। कभी भी हमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो बी फुली रेस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेल्फ। तो थर्ड पॉइंट आपको गिव अप करना चाहिए आपकी लाइफ से, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कंप्लेनिंग, गिव अप ऑन कंप्लेनिंग। वहीं पर होता है ना कई बार ऐसा होता है कि हम लाइक कंप्लेन करते होते हैं चीज़ों को लेके, कई लाइक एक्सक्यूजेस बनाते होते हैं हम कई सारी चीज़ों को लेके कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं दैट्स वाई आई एम गेटिंग ऑल द थिंग लाइक दैट। तो उन चीज़ों पे हमेशा आपको यू विल हैव टू रिमेंबर कि रेडी रहना पड़ेगा आपको। वहाँ पर आपको गिव अप करना है तो कंप्लेनिंग का कीजिए, जो आप कंप्लेन लाइफ में करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं है तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब हम तरह तरह के वहाँ पर एक्सक्यूजेस बनाते होते हैं या चीज़ों को कंप्लेन करते होते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें गिव अप करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा जिसे हमें बहुत ज़रूरी है लाइक हमारी लाइफ में उसे गिव अप करना चाहिए, बैड फ्रेंड्स। आपके एक लाइक जो गलत आपके फ्रेंड सर्कल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ पे, आपको लाइक डाउन करने में, आपको लाइक फेलियर बनाने में, या आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट करने में उनका बहुत बड़ा लाइक रोल है। तो आपको उन बैड फ्रेंड्स को मैं कहूँगा कि गिव अप करना चाहिए, उनसे दूरियां बनानी चाहिए आपको। क्योंकि उनसे दूरियां बनाने से ये होगा क्योंकि जहाँ जो जिस सर्कल में हम रहते हैं हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही काम करता है। सो मैं डेफिनेटली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल से गिव अप करना चाहिए जो लाइक एक्स्ट्रा लाइक अपना लाइक कैरियर को लेके सीरियस नहीं है, जो अपनी स्टडी को लेके सीरियस नहीं है, जो अपने जॉब को अपने बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल से आपको दूरियां बनानी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे और अच्छा एक फ्रेंड सर्कल आप बनाएंगे, अच्छे ग्रुप में आप रहेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाएंगे। आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है जिसे आपको गिव अप करना चाहिए, नीड टू इम्प्रेस एवरीवन। हम कहीं ना कहीं लाइक किसी हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर किसी को लाइक हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि तो आपसे लोग सारे खुश नहीं हो सकते हैं। तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइक आपके अपने कौन हैं, आपके पराए कौन हैं। तो यहाँ पर मतलब यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नीड लाइक टू इम्प्रेस एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है तो सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल पे, अपने विजन पे आप काम नहीं कर पाएंगे। अपने आप से अपनी मर्जी से एक अपने तरीके से एक हैप्पीली लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये पांच पॉइंट हमने डिस्कस किए। आई होप कि इन पांच पॉइंटों को अगर आप अपनी लाइफ से गिव अप करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत बड़ी हेल्प आपको मिलेगी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, एक अच्छा एक हेल्दी और एक हैप्पीली लाइफ जीने के लिए। तो यू मस्ट गिव अप लाइक दीज ऑल द फाइव थिंग जो हम लाइक इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।